दहेज न लेंगे न देंगे घोषणा करने के बाद होगी नियुक्ति। अब सरकारी नौकरी पाने वालों को लिख कर देना होगा कि वह शादी में दहेज का लेन देन नहीं करेंगे। शुरुआत राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से हो रही है। विभाग में 5 सितंबर को बड़े पैमाने पर राजस्व पदाधिकारियों की नियुक्ति होने जा रही है। बिहार लोक सेवा की 60वीं एवं 62वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर यह नियुक्ति होने जा रही है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के लिए 140 पदाधिकारियों के नाम की अनुशंसा आयोग से की गई। राजस्व एवं भूमि सुधार अधिकारियों को विभाग का निर्देश है। इन पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र देने के लिए समारोह का आयोजन सिंचाई विभाग के अधिवेशन भवन में किया गया है। पहले दी गई सूचना में दहेज के बारे में घोषणा पत्र देने की जानकारी नहीं थी। मंगलवार को विभाग की ओर से दूसरी सूचना जारी है। इसमें कहा गया है कि दहेज न लेन देन के बारे में लिखित घोषणा पत्र देना अनिवार्य है, इसके बिना नियुक्ति पत्र नहीं दिया जाएगा। इसके साथ कार्यक्रम स्थल पर ही सिविल सर्जन से स्वास्थ्य प्रमाण पत्र भी लेना होगा। मालूम हो कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दहेज के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। माना जा रहा है कि घोषणा पत्र की अनिवार्यता उसी अभियान को बल देने के लिए है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अवर सचिव श्यामल किशोर पाठक के मुताबिक दहेज संबंधित घोषणा पत्र जमा नहीं करने वाला अधिकारियों का योगदान स्वीकार नहीं किया जाएगा।